प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, बहुत से भाई बहन दूर दूर से आए हुए हैं ताकि हम सबको एक दूसरे से मिलने का मौका मिले। हम मिलते क्यों हैं? क्योंकि हम सब एक बहुत बड़े परिवार के सदस्य हैं। कई साल पहले संत कृपाल सिंह जी महाराज यहाँ अहमदनगर में आए और अपने प्यार से उन्होंने आप सबका दिल जीत लिया, आपको अपने परिवार का सदस्य बनाया। और फिर उनके बाद संत दर्शन सिंह जी महाराज की दया मेहर आप सब पर भर रही। ये महापुरुष बार बार यही समझाते चले आए थे कि उनका कार्य, उनकी शिक्षा इंसान को एक सच्चा इंसान बनाना है। और जब हम एक सच्चा इंसान बन जाते हैं तो फिर प्रभु को पाना कोई मुश्किल कार्य नहीं। जब हम इन महापुरुषों की जिंदगी देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी मदद हम सबके लिए हर पल हर क्षण रहती थी। और हम है कि हमारा ध्यान और चीजों में भी बड़ी आसानी से टिक जाता है। अगर अपनी ओर हम देखें तो हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत कुछ होता है जिसे इंसान समझता है कि ये मिरेकल ही था, लेकिन फिर हम उसे भूल जाते हैं। फिर दुनिया की चीजों के गम, शरीर के गम, इनको गम दुख दर्द समझकर ही इस माया की दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। तो महापुरुष जब भी यहां आते हैं हमें क्या समझाते हैं कि हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, कोई कार्य करें तो उनकी रजा में, कुछ मुख से बोलें तो उनकी प्रेज में, उनका गुणगान गाएं, कुछ सोचें तो विचार पिता परमेश्वर के हों, सिमरन करें, प्रभु के नाम का जाप करें। किसी भी महापुरुष की आप वाणी सुनिए, चाहे वो 100 साल पहले आए हों, 500 साल पहले, 1000 साल पहले आएंगे, 10,000 साल पहले आए हों, बार 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 वो हमें यही समझाते हैं कि हम पिता परमेश्वर का गुणगान करें। तो आप लोग जो कि ये बड़ी लगन से सत्संगों में आते हो, कि हम सबको ये जानना चाहिए कि जिंदगी हमें किस किस्म की गुजारनी है। एक इंसान जिसे ज्ञानी कहा जाता है, ज्ञानी वो जिसकी बहुत समझ हो, जो समझदार इंसान हो, उसके लक्षण क्या हैं? क्या ज्ञानी वो है जिसका IQ बहुत ज्यादा है? क्या ज्ञानी वो है जिसे दुनिया की बहुत सी चीजों का मालूम है? ये ज्ञानी कौन है? वो महापुरुष अपने लफ्जों में हमें समझाते चले आए हैं कि एक ऐसा इंसान जिसकी समझ सही हो, एक ऐसा इंसान जो ये जाने कि पिता परमेश्वर ने उसे जो दिया है उसका वो इस्तेमाल करे। हम सबको प्रभु ने विवेक दिया है। हम ये पैदा होते ही इस अवस्था में होते हैं कि हम ये जान सकें कि क्या सही है क्या गलत है।
वो विवेक हम सबको प्रभु ने दिया है, लेकिन इस्तेमाल उसे कोई कोई करता है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, उन्होंने इस शब्द के जरिए ये समझाया है कि ज्ञानी कौन है, समझदार इंसान कौन है, और किस किस्म की जिंदगी हम जीते हैं, और क्या लक्षण हमने अपने अंदर देखने हैं, और किन सद्गुणों को ढालना है ताकि हम भी उस अवस्था को पा सकें। हम में से हर एक सच्चाई को जान सकता है, हम में से हर एक अपने आप को सही रूप में पा सकता है, हम में से हर एक अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन होता हुआ देख सकता है। फर्क ये है कि किसने जो प्रभु ने दिया उसका इस्तेमाल किया, और किसने सब कुछ होते हुए भी ध्यान कहीं और डाल दिया। तो गुरु साहब यहां एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारी जिंदगी किस किस्म की है और किस किस्म की जिंदगी हमें बनानी चाहिए। हम लोग अगर देखें तो जब सुबह उठते हैं और सारा दिन किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं, और जब रात को सोते हैं तो सारा दिन ने हमने किया क्या, किस किस्म के विचार हमें आए, किस किस्म के बोल हमसे निकले, किस किस्म के कार्य हमने किए। अगर आप देखें कि पिछले महीने में आपने क्या किया, तो आप देखेंगे सुबह उठते ही सबसे पहले तो आपको ख्याल आएगा कि मैं अपने टीथ को ब्रश करूं, मैं नहाऊं धोऊं, मैं तैयार हूं कि मुझे काम पे जाना है। कुछ आप खाए पिएंगे और फिर काम की ओर बाढ़ निकलेंगे। काम जो भी आप कर रहे होंगे, कुछ ऐसा होगा जिसमें कि आप कुछ पैसे कमाएं, वो दुनिया की चीजों के साथ जुड़ा हुआ होगा। काम पर आप कई लोगों को मिलेंगे, उनसे बातचीत होगी, वो भी उन चीजों की जो दुनिया की हैं। शाम को आप घर लौटेंगे, आपको लगेगा कि सारा दिन बहुत मेहनत की, बहुत थक गए हैं, विश्राम करें। अपने आप को कुछ मनोरंजन देने के लिए आप टीवी देखेंगे, कुछ स्पोर्ट्स देखेंगे, और खाना खा के फिर सो जाएंगे। तो सारे दिन में ध्यान किस और गया, दुनिया की चीजों में, और किया क्या हमने। ज्यादातर तो हम ये देखते हैं कि हर एक इंसान को दिन भर ये लगता है कि ये चीज ठीक नहीं हो जी, इसको ठीक कर लें, ये चीज ठीक नहीं हो रही, इसको ठीक कर लें, इसमें खराबी, इसको ठीक कर लें। कोई और है, वो तो गलतियां कर ही जा रहा है मगर बहुत हमसे आगे निकल रहा है। हम इस किस्म की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। तो हमें जिंदगी जीनी कैसी चाहिए, गुरु तेग बहादुर जी महाराज फरमा रहे हैं कि गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अखारत कीन। वो कह रहे हैं कि उसका जन्म व्यर्थ हो गया जिसने प्रभु के गुण गाए नहीं। गोविंद प्रभु पिता परमेश्वर से, गॉड कहें, वाहेगुरु कहें, अल्लाह कहें, यहोवा कहें, किसी नाम से पुकारे, कर्ता पुरुष जिसके भाने में सब कुछ रचा गया, जिसने ये सृष्टि रची, कि अगर उसका गुणगान नहीं गाया, अगर अपनी जिंदगी उन जैसी नहीं बनाई जैसी कि वो चाहते हैं हमारी जिंदगी हो, तो ये जिंदगी बेकार है। यही गुरु साहब हमें यहां समझा रहे हैं
क्यों बेकार है? क्योंकि अगर उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो फिर जो पाने के लिए हम इस धरती पर आए हैं वो हम कभी पा नहीं सकेंगे। ये मौका जो हमारी आत्मा को इस मानव चोले में आने का मिला है, ये सिर्फ पिता परमेश्वर की जानकारी पाते हुए उन्हें पाने का मिला है। अगर वो काम नहीं हुआ तो फिर 84 लाख जिया जून में ये आत्मा भटकेगी, फिर लाखों करोड़ों सालों के बाद पता नहीं कब हमें एक और मौका मिले। तो पिता परमेश्वर हम सबसे बड़े खुश हैं, इसीलिए उन्होंने हमें ये मौका दिया और उनकी खुशी में हमारी खुशी है। हमें इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो यहाँ पर गुरु तेज बहादुर जी समझा रहे हैं कि गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अखारत कीन, कहो नानक हर भजमना जय विद जल को मीन। वो कह रहे हैं कि करना क्या चाहिए, वो कह रहे हैं कि मन को समझाना है कि हरि का प्रभु का भजन करें, उनको याद करें, उनका सिमरन करें, उनका जाप करें, उनकी ओर ध्यान दें। तो यहां पर वो टेक्निक बता रहे हैं कि कैसे हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। शरीर को शांत करना तो बहुत आसान है, एक शांत जगह ढूंढ लीजिएगा, वहां पर आप एकांत में बैठिएगा, आंखें बंद करेंगे तो आपकी देखने की इंद्रिय अंदर को खिंच गई, एकांत में बैठे हैं स्पर्श की इंद्रिय अंदर को खिंच गई, उस एटमॉस्फेयर को आप बदलते नहीं, सूंघने की इंद्रिय अंदर को खिंच गई, आप खाएं पिएंगे नहीं तो चखने की इंद्रिय अंदर को खिंच गई, और शोरगुल नहीं हो रहा तो सुनने की इंद्रिय अंदर को खिंच गई। तो पांचों इंद्रियों को अंदर की ओर खेना बहुत आसान है। होता क्या है, एक ऐसी जगह ढूंढ के जब हम बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो तरह तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं। विचार हमारे मन के जरिए आते हैं, मन नहीं चाहता हम अपने आप को जाने, तो विचार भेज देता है, ध्यान विचार में चला जाता है और हम पिता परमेश्वर को पाने से। इसी करके सिमरन किया जाता है, ऊंचा नहीं करना, जबान से करेंगे कान को सुनाई देगा, ध्यान बाहर की ओर जाएगा। प्रभु के नाम का जाप मन ही मन करना है। वो तभी फरमा रहे हैं कि कहो नानक हर भज मना, ये नहीं कह रहे कि जबान को कहो के भजे प्रभु का नाम, मन को कहो के भजे, मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करना है। क्यों? क्योंकि उसी से जो हमारी आत्मा है उसको उभार मिलेगा, मन फिर उसे रोक नहीं पाएगा। वो हमारा ध्यान जो हमारी आत्मा का भारी रूप है वो फिर बाहर की दुनिया में नहीं जाएगा, अंदर की दुनिया में जाने के लायक होगा। और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारी सिचुएशन क्या है, हमारे जैव जल को मीन, कि जैसे जो पानी है वो मछली की जान है, ये मछली पानी से अगर बाहर हो जाती तड़प तड़प के मर जाती है, तो हमारी आत्मा की जान परमात्मा है और जो शब्द है जो हमारे अंदर चल रहा है, जिसके दो ज्योति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, जब उसके साथ हम जुड़ते हैं तो हम में जान आ जाती है, हम अपने आप को अपनी जो ओरिजिनल स्टेट थी, जो निरोल अवस्था थी, उसमें पाते हैं। तो यहां पर गुरु साहब हमें समझा रहे हैं कि सयाना इंसान कौन है, ज्ञानी कौन है, समझदार कौन है, जो मन को शांत कर सकता है, जो अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ा सकता है, जो जानता है कि आत्मा का रिश्ता नाता परमात्मा के साथ है। अभी तो हम अपने आप को सोचते हैं कि हम शरीर हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु तो बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, वो हमें कहाँ जानते पे जानते होंगे।
हम भूल जाते हैं कि प्रभु का अंश हम सबके भीतर है, वही हमें जान दे रहा है, वही हमारे हर एक सोच विचार बोल कार्य के साथ है, उसको देख रहा है और हर किस्म की मदद जो हमें चाहिए वो हमें अंदर से मिलती है अगर हमें उसमें यकीन होगा। अगर हम सोचे कि हमारे करने से ही कुछ होता है तो फिर ये हमारी गलतफहमी है। जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारी जिंदगी में वो घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं जिनसे कि हमें यकीन होना शुरू हो जाता है कि पिता परमेश्वर का हाथ हमें सहारा दे रहा है। उनका सहारा है जो हमें इस भव सागर के पार उतारेगा। लेकिन हम इंसान हैं, हम उनके सहारे को देख नहीं पाते। एक इंग्लिश में एक वाक्य बताया जाता है जिसे फुटस्टेप्स इन द सैंड कहा गया। वो वाक्य ऐसे बताते हैं कि एक इंसान की मौत हो गई। जब मौत हो गई तो पिता परमेश्वर के सामने वो पहुंचा तो उसको जो उसकी जिंदगी थी उसके पदचिन्ह फुटस्टेप्स के लिहाज से दिखाई दी। तो दिखाया गया कि देखो यहां पर ये तुम्हारे पैरों के कदम है कि यह ऐसी जगह थी जहां पैरों के कदम खाली एक ही दिख रहे थे। फिर दिखाया गया कि यहां पे और पैरों के कदम यहां दो दो हैं, एक उसके पैर कदम एक कोई और। तो उसने जब देखा कहता हां देखो प्रभु यहां पे तो सब चीज मेरे साथ ठीक थी तो आपके कदम मेरे साथ हैं लेकिन यहां पे देखो मैं तकलीफ में था आपने तो मुझे छोड़ ही दिया, एक ही कदम है यहां पर। यहां देखो फिर दो हैं, मैं खुश था सब कुछ था आप मेरे साथ थे, यहां पे तकलीफ आ गई फिर देखो यहां पर एक ही कदम है। तो प्रभु हंसना शुरू हो गए, अब जरा ध्यान से देख, देखा ये जो एक एक कदम है कितने गाढ़े हैं और बड़े हैं। जब तू मुसीबत में था मैंने तुझे अपने कंधों पर उठा हुआ था। तो हम लोग प्रभु की मदद को जानते नहीं, हम सोचते हैं कि मुश्किल आई है तो प्रभु ने शायद हमारा साथ छोड़ दिया। हम भूल जाते हैं कि हमारे कर्म जिनमें से हमें इस जिंदगी में गुजरना पड़ता है जिसे प्रलब्ध कर्म कहते हैं, कोई प्रलब्ध कर्म कहता है, वो जो कि इस जिंदगी में हमने झेलने हैं उनमें प्रभु की दया मेहर इतनी होती है कि मुश्किलें भी आसानी से गुजर जाती हैं। तो हमें अपने नजरिए को बदलना है।